Class, welcome back. Students, yesterday I have sent one PDF on conversion of solids. Actually, this question, which is based on the volume of spheres, sphere volume of cone, volume of right circular cylinder and so on. ठीक है, तो जो different types के आपने figures study किया है solids में, hollow जो आपने सॉलिड स्टडी किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, तो उसका नेम है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। इसमें वर्किंग क्या करना है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी बिग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ बिग सॉलिड, एंड इफ यू आर चेंजिंग, इफ यू आर रीकास्टिंग टू अ स्मॉल साइज एनी सॉलिड, सो वॉल्यूम ऑफ बिगर सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड, जब इसको आप दोनों को डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट नंबर ऑफ सॉलिड्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ सॉलिड्स फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल साइज। वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर एंड विद दिस आई एम विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, राइट, मींस वी हैव वन स्फीयर of radius 15 cm is melt and recast into solid right circular cone of radius 2.5 cm and height 8 cm, find the number of cone recast। तो क्लास एक्चुअली क्या आप इस क्वेश्चन में स्टडी करिए, एक आपके पास बिग स्फीयर है, ठीक है, आप इसमें आपने एक्स कोन ड्रॉ किए, तो जो आपने एक्स कोन्स बनाए या आपने कोन्स बनाए तो आपको फाइंड करना है कि आपने नंबर ऑफ कोन्स कितने रिकास्ट हो जाएंगे इस स्फीयर से। ये आपका स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो हाइट है क्लास, वो कोन में हाइट गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर एंड जो रेडियस है इट इज 2.5 और आपको ये एक्सपेंड करना है। तो अब ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसकी जो वे है एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ करने का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to x volume of cone। volume of sphere क्या होता है, ये आपका होता है 4/3 πr³, ठीक है, और इसका कोन का फॉर्मूला है x 1/3 πr²h। आपको x क्लास x फाइंड करना है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, यहां भी r आ रहा है, यहां भी r आ रहा है, तो इसको आप r1 एंड r2 कर लें, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लीजिए, यहां पर 3 एंड 3 कैंसिल, पाई एंड पाई कैंसिल, तो ये आपको हो गया 4 r1 कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15³ इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर क्लास r2 कितना है 2.5 ऑफ होल स्क्वायर और इंटू h इज 8 सेंटीमीटर, जो आपकी यूनिट्स हैं वो ऑल हैविंग द सेम यूनिट्स ऑल मैग्नीट्यूड। आपको x फाइंड करना है, तो आपको देखिए क्लास इसमें आपको इवैल्यूएशन नहीं करना है, आपको इसमें ट्रांसपोज करना है वैल्यूज, बाद में फाइनली आप इसमें कैंसिलेशन करेंगे, तो आपको x निकालना है, तो x आपका आ जाएगा 4 × 15 × 15 × 15 × 15 upon 2.5 × 8, ठीक है, बस इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व होगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं किया कि मैंने हम पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर रहे हैं, देन आप वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर, दोनों को आप डिवाइड कर रही हो, लॉन्ग होगा, आप सभी सारी वैल्यूज आप प्लेस कर दीजिए। मेजरेशन का क्लास जो क्यू जो की है इस पूरे टॉपिक का, कि हम जो इसमें इवैल्यूएशन करते हैं वो 1 or 2 times करते हैं, ठीक है ना, हम हर स्टेप पे इवैल्यूएशन नहीं करते। अब इसका जो फाइनली, अब यहाँ पे आपने डेसिमल हटाया, आपने यहाँ पे जीरोस ले लिए, कहीं पर भी आप जीरो ले सकते हैं, अब 25 + 25 = 1 and 25 = 6 and 25 = 6 and 4 1 = 4 2 2 1 = 2 3 जो भी एक्स आपको रिमेनिंग है उसको आप पहले लिखिए, तो यहाँ पे क्लास हो जाएगा 6 × 15 6 15 and 3, ठीक है, तो ये आपको हो गया 45 × 6 2 90 93 2 70, तो क्लास एक्स आपका आ जाएगा 270 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब आप जो कोन्स बनेंगे 270 कोन्स बनेंगे क्लास बनेंगे इस स्फीयर, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्लास नाउ से क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रॉब्लम में क्लास आपको एक हॉलो स्फीयर दिया गया है, स्फीयर है बट वो हॉलो है,
ठीक है, उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपको डायमीटर गिवन है, मीन्स रेडियस गिवन है, और वो इट इज बीइंग मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू द कोन, ठीक है। और कोन में जो आपका डायमीटर है वो गिवन है कोन का, आपको हाइट फाइंड करना, मीन्स हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करें। प्लस आप सपोज करें कि इट इज अ हॉलो स्फेयर, ठीक है ना, इट इज हॉलो स्फेयर, एंड हॉलो स्फेयर में द स्मॉल आर एंड वन इज कैपिटल आर। स्मॉल आर इज 2 हो जाएगा और कैपिटल आर आपका 4 हो जाएगा, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप रिकास्ट कर रहे हैं कोन में, तो कोन आप ले लेंगे, सॉरी एक्चुअली दोनों का वॉल्यूम सेम है, एक्स नहीं, खाली आपको हाइट फाइंड करना है। तो आप दैट इज इक्वल टू, आप एक्स नहीं लेंगे यहाँ पर, आप लेंगे एक कोन ड्रॉ करेंगे, और कोन में आपको हाइट एंड रेडियस गिवन है। इसका जो रेडियस है कोन का वो है आपका 4 सेंटीमीटर, और आपको हाइट फाइंड करना है। तो सिंपली आप लिखेंगे, अब आप देखिए इसको हम इवेल्युएट नहीं करेंगे कि आप 4/3 πr³ का फॉर्मूला अप्लाई करें, एक्चुअली 4/3 तो होता नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर क्या होता है, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ − r³, ठीक है। आप एक्सटर्नल वॉल्यूम को इंटरनल वॉल्यूम से जब माइनस करते हैं तो आपका हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम आता है, और इसका फॉर्मूला होगा 1/3 πr²h। अब यहाँ पे दोनों से साइन आर आ रहा है, तो आप इसको आर एंड आर डैश कर लीजिए, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए इसको हम R1 कर लें। एक आपको जो सबसे वेरिएबल आएगा तो आप वेरिएबल को चेंज कर लेंगे, यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो गया, 3 एंड 3 कैंसिल, नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यू एंड वी कैन फाइंड एच, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू 4 है, स्मॉल आर की वैल्यू 3 है, आर डैश की वैल्यू 4, ठीक है ना। तो दिस इज 4 एंड 4³ − 2³, एंड ये आपका हो जाएगा 4² × h, इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा 64 − 8 × 4² × h, 1 ज़ा 4 ज़ा, ये 4 एंड 16 कैंसिल होगा, 64 − 8 ये आपको हो जाएगा 56, 56 इज इक्वल टू 4h, एंड द h इज 56/4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 16, 14 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय वन स्टूडेंट, एंड द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल मेटल पाइप इज ऑफ 14 सेंटीमीटर इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स क्लास हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज अ वन, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ वन पाइप, राइट, एंड इट्स अ हॉलो पाइप। सो नाउ वी हैव इंटरनल सर्फेस एंड एक्सटर्नल सर्फेस। देखिए इसका ये क्लास आपका स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है, ठीक है। आपको स्मॉल आर एंड कैपिटल आर फाइंड आउट करना, ये हमारा क्वेश्चन है। और गिवन क्लास ये है कि इसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल का जो जो आपका सरफेस एरिया है, इट इज गिवन 44 सेंटीमीटर, मींस एक्सटर्नल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला आपका होगा 2 πr² R H, और यहां पर हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 πr², ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 π एज पर द क्वेश्चन, 2 π R H माइनस 2 π r² इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर², ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस गिवन है 44। तो आप यहाँ पर क्लास 2 एंड h आप कॉमन लेंगे एंड पाई कॉमन लेंगे, इट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 44। यहाँ से हम आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। h की वैल्यू 14 है, तो 2 × 14 × 22/7 इज इक्वल, सॉरी ब्रैकेट, आर माइनस आर इज इक्वल टू 44, 2 × 22 = 44, 44 कैंसिल हो गया, 1 एंड 2 प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू आ रही 1/2, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन।
नेक्स्ट एक और एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको वॉल्यूम गिवन है. इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर ऑफ मैटर, मतलब ये जो पाइप है तो इसका जो वॉल्यूम है वो आपको 99, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक पाइप इज, या सिलिंड्रिकल पाइप भी आप लिख सकते हैं, इज 99 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब क्लास यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वॉल्यूम का. तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 99. ठीक है, पाई एंड एच इज 14, पाई टू बाई 7 आप प्लेस करेंगे, इसको आप लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 99. ठीक है, तो यहां से देखिए हमको आर माइनस आर की वैल्यू 1/2 है, यहां से हम आर प्लस आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पहले. तो यहां पर आप इसको इवेलुएट करेंगे तो आप लिखेंगे आर प्लस आर एंड इसकी वैल्यू 1/2 है क्लास, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इज इक्वल टू 99. तो इसको हम 2 × 7 14 कैंसिल, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज 99/22 मींस 9/2. आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो आपके पास ये दो इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई, आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 1/2 एंड कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 9/2. तो क्लास ये आपका 0.5 है, ये आपका 4.5 है. ठीक है, तो जब आप इसको हम इवेलुएट करेंगे देन वी विल गेट अ वैल्यू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 1/2 एंड कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज 9/2. हम वैल्यू को रिप्लेस कर लें, यहाँ से हम कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड कर लें, इट इज 1/2 प्लस स्मॉल आर, और यहाँ हम प्लेस कर लें तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 9/2 है आपका. तो ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस आर इज इक्वल टू 9/2. यहाँ से हम स्मॉल आर फाइंड कर लें तो 1/2 आर इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 मीन्स 8/2, दैट इज दिस इज 4, राइट. तो स्मॉल आर की वैल्यू आपकी आ गई 2, स्मॉल आर इज 2. अब हम कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस स्मॉल आर, 1/2 प्लस स्मॉल आर इज 2, दैट इज 2.5. ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्लास आपका 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर एंड कैपिटल आर इज 2.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज. Plus, this question is also easy. The radii of internal and external surfaces of metallic spherical shell means we have one spherical shell in which we have a small r. Small r is 3 cm and capital R is 5 cm. ठीक है, ये आपके एक spherical shell है. अच्छा, अब class actually क्या करेंगे, हम इसको change कर रहे हैं, इसको recasting कर रहे हैं एक cone में. One cone, it is a one cone in which class आपको diameter find करना, means आपको radius find करना, diameter आ जाएगा. In and height is 32 centimeter, it is given h, r आपको find करना है. So volume of spherical shell या volume of hollow sphere आप इसको लिख सकते हैं, hollow sphere is equal to volume of cone, volume of solid cone. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, मैंने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में इसको मैंने किया था, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, आप इसको आप आर वन कर लीजिए, यहाँ पर आर है स्क्वायर आर वन कर लीजिए, पाई एंड पाई कैंसिल, 3 and 3 कैंसिल, 4 small r capital R is 5 of cube minus 3 of cube is equal to r1 class आपको find करना है and the height is 32. okay, इसको class हमको evaluate करना है. तो ये आपको हो गया 4 ones are 4 8s are. ठीक है, तो अब ये हो गया 125 minus 9 is equal r1 square into 8. यहां से आप class आपको r1 find करना है. 125 माइनस 9 आपको हो जाएगा 5 and 4 116. तो आपके 116 इज इक्वल आर वन स्क्वायर इंटू 8,
116 अपॉन 8 इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर, ठीक है, 8 वन 8 एंड 3 एंड 4, 8 इसको क्लास हमको इवेल्युएट करना है, सब फ्यू क्लास यहाँ देखेंगे आप, चेक करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर। 4 पाई पाई के आंसर, 3 3 के आंसर, कैपिटल आर आपका गिवन है 5 5 ऑफ क्यू 125, स्मॉल ओ क्लास क्लास 3 ऑफ क्यू आपका 927 होगा, ठीक है, यहाँ पर ये आपका मिस्टेक है, ठीक है, तो ये वाली गलत होंगी, तो इसको आप करेंगे तो आपको मिलेगा 10 125 माइनस 27, ठीक है, इट इज़ 98, 98 में से आप फर्दर मोर यहाँ पर जो 4 1s एंड 4 8s 32 आ रहा है, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, माइनस होगा 125 माइनस 27 विच गिव्स यू 98 एंड आर वन स्क्वायर हाइट 32 है, ऑल आर इन सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर आर ऑफ क्यूब 125 एंड 3 ऑफ क्यूब 27 इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर इंटू 8 आ रहा है, ये हमारा इवेल्युएशन आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा क्लास 125 माइनस 27 इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर इंटू 8, ठीक है, 98 इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर इंटू 8 एंड आर वन स्क्वायर इज 98 आप अपॉन 8 करेंगे तो ये आपका 8 वन 8 एंड क्लास ये वैल्यू आपका डेसिमल्स में आएगा क्योंकि 98/8 आप करेंगे, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, पॉइंट में मत लाएं इसको आप, तो ये आपका हो जाएगा 98/8 को 49/4, ठीक है, तो आपका आर वन स्क्वायर हो गया 49/4, आप स्क्वायर हटाइए रूट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, तो आपका आर वन आ गया 7/2 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है डायमीटर, तो जो डायमीटर होगा इट इज 2R, 2 into R मीन्स 2 into 7/2, 2 and 2 कैंसिल, आंसर इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज द फाइनल आंसर।